आगरा थाना खंडोली के पोइया विशाल कॉम्प्लेक्स स्थित भाजपा नेता की कंपनी से लाखों रुपए की चोरी को चोरों ने अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम देकर चोरों ने सरकार और पुलिस प्रशासन को बिगड़ती कानून व्यवस्था का आईना दिखाया है। चोरों ने यहां पर चोरी करके सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है। फैक्ट्री में चोरी से उद्योगपति भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित है। भाजपा नेता महामंत्री रिंकू चौधरी खंडोली क्षेत्र में जय बालाजी फ्रूट्स एंड टेंडर्स नाम से कंपनी है। इसमें पोला बनाए जाते हैं। कंपनी में रात को एक चौकीदार था जो छत पर सो रहा था। कंपनी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। कैमरे से मिली फुटेज के अनुसार चोरों ने बुधवार की रात 2 बजे घटना को अंजाम दिया। चोरों ने फैक्ट्री से करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी की है। कंपनी में चोरी होने के बारे में बुधवार को सुबह पता चला जब मजदूर काम पर आए। मौके पर बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने थाना प्रभारी का स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द खोलकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। जैसे क्षेत्र में हो रही चोरी जैसी घटनाओं को चोर अंजाम ना दे। भाजपा नेता रिंकू चौधरी ने पुलिस को शिकायत कर दी है। चोरी की सूचना मिलने के बाद मौके पर क्षेत्रीय अधिकारी एकमातपुर सीओ थाना खंडोली थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार निर्वाल पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और मौका मुआयना किया। सर आज खंडोली में जो रिंकू चौधरी जी के यहाँ चोरी हुई है रात में जी। और देख रहे हैं कि सीओ एकमातपुर और एसओ खंडोली दोनों भी मौके पर ही हैं। पुलिस लगी है। अब कुछ सीसीटीवी कैमरे में आए हैं कुछ लोग और पुलिस अपने काम कर रही है। मुझे लगता है कि जल्दी ये घटना का वर्कआउट करेंगे। कितना केस गया होगा? अब ये पीड़ित बताएंगे इनका कितना गया है, लेकिन निश्चित रूप से चोरी तो हुई है और लाखों की है। बहुत अब कितना है ये तो ये बताएंगे। तो पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चोरों ने यहाँ चोरी करी है उनके कुछ सुराग भी मिले हैं पुलिस को, तो पुलिस अपने उस पर लगी हुई है और जल्दी इसको मुझे लगता है खोल देंगे। भैया हम तो शाम को चले गए, इस रात में चोर जो है सड़क तोड़ के घुस गए इसमें अंदर और लॉक फॉक तोड़ दिए। क्या क्या सामान लेके गए हैं चोर? पैसा ले गए। केवल और कितना केस गया है आपका? करीब गया हुआ 2.5 लाख। आपको सूचना किसने दी थी जी? शटर टूटने की सूचना किसने दी? मैं तो सुबह मालूम पड़ी है मेरे को, जब मैं 6 बजे आया हूँ, 6:30 बजे यहाँ जी, 6:30 बजे मैंने बाबा को आवाज़ दी चौकीदार को। मैंने बाबा ये शटर किसने खोला है? कि मैंने नहीं खोला। तो फिर मैं जब बाबा ने मैंने जाके वो बाबा ने ताला खोला ऊपर से अपने कमरे का, उनने देखा तो ये अंदर से कुंदी बंद है। बाबा ने कुंदी खोली, बाबा बोले कुंदी तो खुली नहीं रही है। फिर मैं अंदर चढ़ के गया हूँ तो उन्होंने चोरों ने अंदर की कुंदी बंद कर दी। अच्छा, कोई ऐसा मामला लग रहा है कि पहले से छानबीन में कोई बंदर लगा हुआ हो ऐसा कुछ? अब भैया अब यहाँ तो तमाम आते जाते हैं, अब हम किसका है बताएं। ये फैक्ट्री किस नाम से चल रही थी और किसकी थी? जय बालाजी फ्रूट्स एंड ट्रेडर्स जी के नाम से चल रही है। रिंकू चौधरी की फैक्ट्री है। शिव कुमार नाम, शिव कुमार है ऐसे बोलते हैं रिंकू चौधरी जी। फोटोज के आधार से आपको क्या लग रहा है? फोटोज के आधार से यही लग रहे हैं जी, आसपास के ही हैं कोई। पुलिस प्रशासन ने क्या सुन दिया है? पुलिस प्रशासन ने 2 बंदों को अरेस्ट भी कर लिया है। मालूम पड़ेगा, पूरा आश्वासन दे रहे हैं शाम तक खोल देंगे। ठीक। जो आपने केस बताया, केस प्रतिदिन इतना ही केस रहता है या आना जाना लगा रहता है? केस आना जाना लगा रहता है। इतना केस तो हर समय रहता ही है क्योंकि आते जाते रहते हैं, किसी को देना है किसी को लेना है, ये तो केस का तो यहाँ चलता रहता है। ठीक। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।